हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बना रहे हैं बहुत ही इजी रेसिपी, जिसके लिए हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक एग और कुछ ब्रेड स्लाइसेस चाहिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अपने अंडे को अच्छे से बीट करना है फॉर्क की मदद से। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वेलकम टू माई चैनल, काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल, आई पोस्ट न्यू वीडियोज़ एवरी वीक। सो यहाँ पर हम लोगों का एग जोन से अच्छे से बीटअप हो चुका है। अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ मिल्क एंड सम स्पाइसेस, दैट इंक्लूड सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। इफ़ यू लाइक एनी स्पेसिफिक स्पाइस यू कैन ऐड दैट टू, बट मुझे एग्स के अंदर टोटली सिर्फ यही 2 स्पाइसेस पसंद है, जस्ट सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, एंड दे टेस्ट सो गुड टू। सो हम लोगों ने यहाँ पर मिल्क ऐड करने के बाद और स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको दोबारा से मिक्स करना है। अब हम लोग इसके अंदर कुछ छोटी छोटी हम लोगों की थोड़ी थोड़ी हम लोगों की सब्जियाँ कटी हुई हैं, चॉप हुई हुई हैं, उनको ऐड करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास वाइट अनियंस, ग्रीन चिलीज़ एंड थोड़ी सी बेल पेपर, शिमला मिर्च है, और फिर हमारे पास थोड़े से टमाटर और थोड़ा सा धनिया। ये सारी हम लोगों ने 2 टेबल स्पून सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है ये गाइस, टोटली आप लोगों के 10 मिनट्स लगेंगे मे बी सब्जियां काटने के मिलाकर। बहुत ही झटपट बनने वाली है। अगर आप लोगों को जल्दी से कोई स्नैक की रेसिपी चाहिए हो तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस आउट, और बनता भी बहुत मज़े का है। अब हम लोगों ने क्या करना है, बिकॉज सब्जियाँ जो सी हम लोगों ने चॉप की हुई हैं वो इसके ऊपर एग्जैक्टली चिपकेंगी नहीं, कुछ कुछ चिपक जाएंगी, बट आप लोगों ने एग को डिप कर कर, एग के अंदर अपनी ब्रेड्स को डिप कर कर हमने इनको फ्राई करना है, और फिर हम लोगों की जो नीचे चॉप हुई हुई वेजीज रह गई हैं हम उनको एक साइड से फ्राई होने के बाद ऊपर उसके पैन के अंदर डालेंगे। इसी तरह हम लोगों ने ब्रेड रखी और ऊपर से हम लोगों ने अब क्या करना है, ये सारी की सारी वेजीज जो सी हैं उसके ऊपर डाल देनी है, जो कि हम लोग जब टर्न करेंगे तो उसके साथ चिपक जाएंगी बिकॉज ऑफ एग। इसी तरह हम लोगों ने बाकी के पीसेस के साथ भी कर लेना है। यहाँ पर हम लोगों ने 2 स्लाइसेस जस्ट यूज किए हैं, और इसी के ऊपर सारा का सारा हम लोगों ने एग और जो वेजीज का मिक्सचर है वो सारा का सारा कोट कर देना है। हम लोगों ने ना पैन के ऊपर टोटल 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल जस्ट हम लोगों ने लगाना है, जो कि अच्छे से उस पैन के ऊपर सारा कोट हो जाएगा, और हम लोगों ने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर थोड़ी देर के लिए पकाना है। उसके बाद हम लोगों ने इसको टर्न करके थोड़ा सा प्रेस करना है, जिससे जो इन वेजीज उसके साथ फ़ौरन से ब्रेड के साथ चिपक जाएंगी। मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको अच्छे से कुक करेंगे अनटिल के ये दोनों साइड से लाइट ब्राउन कलर में आ जाए। वैसे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन कलर में ब्रेड्स पसंद हैं, आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से इसको कुक कर सकते हो। गाइज, अगर आप लोगों को और क्विक स्नैक्स की रेसिपी देखनी है तो आप लाजमी मेरे चैनल पर विज़िट करें, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है बहुत ही क्विक एंड ईजी बनने वाले स्नैक्स, जिसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर हम लोगों के जो से हैं स्लाइसेस रेडी हो चुके हैं यहाँ पर, और ये हम लोगों का जो क्विक सा स्नैक था वो हम लोगों का रेडी है, और इसको आप लोग इसी तरह ट्राइंगल्स की शेप में कट करके सर्व कर सकते हो। लाजमी इसे ट्राई करें एंड टेल मी हाउ इट वॉज। आपसे मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़े से स्नैक रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।